हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मज़े में होंगे। मैं हूँ नीलम और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, इंडियन ब्लॉगर नीलम में। और ये जो आप देख रहे हैं ये है व्यू मेरी बालकनी से। ये मेरी कुर्सी है, मैंने दो ही प्लांट अभी लगाए हैं, एक एलोवेरा और एक तुलसी। और ये एक्चुअली शाम का वक्त है, मौसम मस्त है और ये अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। शाम मेरी चाय के बिना अधूरी है, तो बस मौसम का मज़ा लेने के लिए आई थॉट कि चलो चाय पी जाए। और अपना चाय का कप लेकर मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करने। काम क्या, एक्चुअली बस थोड़ा यूट्यूब और थोड़ा अपना फेसबुक, इंस्टा, यही सब। तो ये एक्चुअली मेरा लीजर वक्त होता है दोपहर में। शाम में बोलूँगी आपको, लाइक अराउंड 5 o'clock से मेरा रेजीम ऐसा ही होता है। मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम है या मुझे फेसबुक देखना है, इंस्टा या कुछ भी मैं करना चाहती हूँ ऑन लैपटॉप, तो उसके लिए मैं यही वक्त निकालती हूँ। और ये देखिए बेड की हालत, ये मैंने सुबह ठीक किया था लेकिन क्योंकि बच्चे स्कूल से आके सोए थे तो वापस ये ऐसा ही हो गया है और मुझे ये फिर से अरेंज करना होगा। और मैं बस चादर नहीं बदल रही क्योंकि मैंने ये सुबह भी किया था, मैं बस चादर फिर से लगा रही हूँ ठीक से, जिससे बच्चे वापस यहाँ बैठ सकें और ये शाम के वक्त थोड़ा देखने में अच्छा भी लगे। और अब ये मेरे बच्चे आ गए हैं अपनी रिक्वेस्ट लेके, उनको सीखना है पेपर स्टार, मम्मा पेपर स्टार सिखाओ, पेपर स्टार सिखाओ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बच्चों को पेपर स्टार सिखा ही देती हूँ। तो एक्चुअली मेरी दो बेटियाँ हैं और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्राफ्ट में इंटरेस्ट लेती हैं। और आज मैंने इवेंचुअली ये देखिए कितना क्यूट पेपर स्टार था। और मैं बस अब आई हूँ मंदिर में और भगवान जी की दिया जलाऊंगी। दिया बाती मेरे शाम के स्केड्यूल का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, तो दिया बाती करके मैं सीधे फिर जाऊंगी मंदिर में, किचन में, और डिनर की तैयारी शुरू करूंगी। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ करेले और दाल। तो करेले के लिए मैं सबसे पहले प्याज और जो मेरे करेले हैं उनको साफ़ करके चॉप करके तैयार कर लूँगी। मैं एक्चुअली जो करेला है उसको करेला फ्राई स्टाइल में बना रही हूँ, तो जितने करेले रफली उतनी ही मैंने प्याज ली है और इनको मैं एक जैसा चॉप कर लूँगी। उधर आप देख सकते हैं कि मैंने उड़द की दाल भिगोई है, इसे दाल माश भी कहते हैं और कुछ लोग धुली उड़द भी बोलते हैं। और ये कॉम्बिनेशन एवरग्रीन है, मतलब ये उड़द की दाल और ये करेले की सब्ज़ी। तो उधर मैंने दाल उबलने रख दी है हल्दी डालकर और इधर मैंने अपने करेले बनाना शुरू कर दिया है। तो मैंने तेल में सीधे ऑनियन डाल के फिर जीरा और सौंफ डाल के करेले डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया है। उधर हल्दी ऐड कर दी है और उधर करेले फ्राई होते रहेंगे स्लोली और इधर मेरा दाल उबलता रहेगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, नमक और मैं आपको बताना भूल गई, मैंने उसमें मिर्ची भी ऐड कर दी थी। और इधर देखिए मेरी दाल उबल रही है और उधर करेले बन रहे हैं। मीनवाइल मैं दाल के तड़के के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। ये मैंने जिंजर, ग्रीन चिलीज और गार्लिक का पेस्ट बना लिया और मैं ऑनियन चॉप कर रही हूँ दाल के तड़के के लिए। दो मैंने टमेटोज़ ले लिए हैं, इनको भी चॉप कर लिया है। और अब मैं यहाँ थोड़ी सी चीनी और आमचूर डाल रही हूँ करेले में, ये बस होने ही आया है। देखिए तेल छूट गया है और करेले की सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं शुरू करूँगी दाल बनाना। तेल डालकर मैं सीधे इसमें डालूँगी थोड़ी सी मेथी और जीरा, ये स्प्लटर होए उसके बाद जाएगा इसमें ऑनियन, इसे मैं ब्राउन करूँगी। और मीनवाइल इसमें मैंने कुक डाल दिया अपना जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट एंड टमेटोज और सॉल्ट, और ये सब एक साथ भुनेगा पकेगा थोड़ी देर और वही मेरे रूटीन के मसाले। और देखिए कितने अच्छे से इसने तेल छोड़ दिया है। मैंने थोड़ी इसमें अभी कसूरी मेथी डाली थी और ये मेरी उबली हुई दाल और ज़रूरत के अनुसार पानी।
और आप गरम मसाला, और आप इसको उतना ही पानी डालिए जितनी आपको डिजायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ फुलके, क्योंकि थाली मेरी बिना फुलकों के इनकम्प्लीट है। हम लाइक एवरी अदर नॉर्थ इंडियन रोटी खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और सब्जियाँ मेरी दोनों बन गई हैं, बस मैं फुलके बनाऊँगी और डिनर के लिए थाली तैयार है। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और ये था मेरा सिंपल सा डिनर रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच गाइस, जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।